तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो इतना
हालेलुया, ये अपने हाथों को उठाकर हालेलुया हम प्रभु से कहें हालेलुया। हम गाए हो प्रभु के लोग गाए के साथ अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पे रखकर क्या हम कह सकते मेरा खुदा हो रबा शंद रगस्या रबा हालेलुया इमानुएल मेरा खुदा हो रबा संदे रेबे रेबे रेबे। हर प्रभु के जन चाहे बच्चे हो हालेलुया जवान हो हालेलुया हम हर एक जना अपने दाहिने हाथ को अपने सीने पे रखे हालेलुया। हम आते ही हमारे प्यारे उद्धार करता यीशु मसीह के प्रेम को हम महसूस करें। उंडर अदरगन रमस्य किरेवे प्यारे पिता तूने हमसे कितना प्यार किया। गाइए मम्मे पापों से छुड़ाने उस एहसास के साथ गाए अपने बेटे को कुर्बान किया। अमें प्यारे पिता शमहद नगर सियंद रबा लबा रबा कितना प्यार किया मुझे श्रापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान। इससे ज्यादा और क्या मैं गाऊं हूं ऊंची आवाज में गाए राजा समझते और कहते कि अब मेरी मदद कौन करेगा, अब मेरी सहायता कौन करेगा, अब मेरे हाथ को कौन थामेगा। लेकिन दाऊद अपने जीवन काल में इस बात को समझ गया, चाहे गुफा हो चाहे बंदी गृह हो, लेकिन उतर आने वाला एक परमेश्वर है, जहां पर वो मेरी सहायता के लिए उतरने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम सोचते हैं मेरी गुफा में और कोई नहीं है, मेरे बंदीगृह में और कोई नहीं है, कौन मेरी सहायता करेगा, कौन मेरी मदद करेगा। लेकिन आज की सुबह आपके लिए और मेरे लिए खुशखबरी है, यदि आपकी गुफा कितनी भी गहरी हो, कितनी भी बड़ी हो, आपका बंदीगृह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन यदि आप परमेश्वर की दुहाई देने वाली, परमेश्वर की दुहाई देने वाले एक परमेश्वर का जन आप कहलाते हैं, आपका परमेश्वर नियुक्त समय पर आपके लिए उतरेगा। हालेलुया। और न केवल वो उतरेगा लेकिन प्रश्नों के जवाब के साथ में उतरेगा। हालेलुया। शायद आप सोच रहे होंगे इतने सालों से मैं प्रश्न कर रही हूं, इतने सालों से मेरे सामने ये प्रश्न है, जवाब कब मिलेगा, उत्तर कब आएगा। लेकिन आप खड़े रहोगे, आप खड़े रहोगे, आपका परमेश्वर नियुक्त समय में उतर करके आपके सारे प्रश्नों का जवाब आपके सामने खड़ा करके देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैंने यहोवा की दुहाई दी और मेरे परमेश्वर ने मेरी दुहाई को अनसुना नहीं किया। कितने लोग हैं आज जो कहते हैं कि मैंने पिछले दिनों में परमेश्वर की दुहाई दिया। दुहाई देना, एक डूबने वाला व्यक्ति जब पानी में डूब रहा है वो कैसे चिल्लाएगा, धीरे से चिल्लाएगा, धीरे से बोलेगा मुझे बचाओ। बच्चे लोग
कैसे बोलेगा वो? एक व्यक्ति डूब रहा है पानी में, तो मुझे बचाओ करके कैसे चिल्लाएगा वो? जोर से चिल्लाएगा, धीरे से चिल्लाएगा? धीरे से चिल्लाएगा। हालेलुया, जोर से चिल्लाएगा हालेलुया। आपके संकट के समय में, आपके अकेलेपन में, जब कोई नहीं है, यहां पर दाऊद कह रहा है कि प्रभु परमेश्वर मेरे गिड़गिड़ाने को और मेरी दुहाई को तू सुन ले, इसलिए मैं तुझे पुकारता हूं, क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है कि मेरी दुहाई केवल एक ही व्यक्ति सुन सकता है और उसका जवाब दे सकता है, वो है मेरा खुदा। हालेलुया। हम अपनी दुहाइयों को, अपनी बातों को कई सारे लोगों के सामने शेयर करते हैं, लेकिन कई बार उनके सामने जाने के बाद में, उनसे बात करने के बाद में भी हमारी हालत जैसी की वैसी बनी रहती है। लेकिन आपकी दुहाई यदि परमेश्वर के सामने पहुंच जाती है, आपकी हालात, आपकी परिस्थिति यीशु मसीह के नाम से बदल जाती है। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों का हालेलुया बिल्कुल नहीं आ रहा है। हालेलुया आप क्यों नहीं बोल रहे? आप लोग बोलिए ना हालेलुया, खुशी से बोलिए हालेलुया, आनंद से बोलिए हालेलुया। दाऊद ने सहायता के लिए परमेश्वर की दुहाई दी। आपके और मेरे जीवन में जब भी ऐसी कुछ मुसीबत आती है, ऐसी कुछ तकलीफ आती है, हमने आज जो गीत गाया कि मुश्किल समय में हमारा भरोसा कौन है, कौन है हमारा भरोसा? बच्चों लोग, कौन है हमारा भरोसा? बड़े लोग, आपका भरोसा और मेरा भरोसा कौन है? आप कह सकते क्या, मेरा भरोसा मुश्किल समय में सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु है। मेरा पैसा नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, मेरी जान पहचान नहीं है, मेरा भरोसा केवल और केवल मेरा यीशु है। क्या कह सकते हैं आप, मेरा यीशु है? हालेलुया। तो दाऊद को यकीन था, दाऊद को भरोसा था कि मेरी दुहाई और मेरी सहायता एक ही जन से आती है, जो कभी सोता नहीं है, जो कभी ऊंघता नहीं है। यदि मैं गुफा में रह करके भी चिल्लाऊंगा, यदि मैं गुफा में रह करके भी पुकारूंगा, यदि मैं गुफा में रह करके भी चिल्लाऊंगा, मेरा परमेश्वर मेरी गुफा में, मेरे अकेलेपन में भी आकर के अपनी सहायता को, सहायता करने वाले हाथ को मेरे लिए बढ़ाएगा, मेरे लिए बढ़ाएगा और मेरी गुफा से मुझे वो बाहर निकालेगा। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं, आपके और मेरे जीवन में शत्रु कई बार हमें बंदीगृह में बांध देता है, बंदीगृह में डाल देता है, लेकिन आपके बंदीगृह की अवस्था चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के पास में आपके लिए एक ये भरोसा होना है कि मैं जब पुकारूंगी, मैं जब पुकारूंगा, मेरा परमेश्वर चुप नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं अपनी शोक की बातें और मेरा संकट, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करूंगा। आज कितने लोग कहेंगे, प्रभु जीवन के हर पल कुछ न कुछ मुसीबतें आती है, कई समस्या जब मुझे घेर लेती है, लेकिन मैं प्रार्थना करके, मैं तुझे दुहाई दे करके, मैं तुझे पुकार करके उन सारे संकट के बादल को, उन सारी गुफाओं को या उन सारे बंदीगृहों से मुझे बाहर निकालने वाला एक परमेश्वर है जिसके ऊपर मुझे भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा है, जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। शत्रु का काम है फंदा लगाना, शत्रु का काम है हमारे रास्तों में मुसीबत और संकट और कई सारी तकलीफों को डालना, लेकिन मैं और आप यदि परमेश्वर की दुहाई दे करके उसकी शरण में अपने आप को, ये भरोसे के साथ में, चाहे कितना भी फंदा बड़ा हो, चाहे कितना भी जाल बड़ा हो, लेकिन जाल फटेगा, क्योंकि मेरी प्रार्थना सुनने वाला एक परमेश्वर है, एक राजा है, एक खुदा है, जो मेरी प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम कई बार प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना का जवाब कई बार हमें तीन तरीके से मिलता है। पहला, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना प्रभु कई बार जल्दी सुन लेता है और हम उस सुनी गई प्रार्थना को सुन करके हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं, बड़े उत्साहित हो जाते हैं
और मजा आ गया ऐसा कहते हैं, लेकिन कई बार प्रार्थना में देरी होती है, कई बार प्रार्थना में देरी होती है। ऐसे समय में क्या आप और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं क्या? कई बार प्रार्थना का जवाब नहीं में भी आता है, लेकिन क्या आप और मैं उस समय भी कह सकते हैं क्या, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद जी प्रार्थना जब कर रहा था, दाऊद को भरोसा था, यदि मैंने परमेश्वर के सामने पुकारा है, यदि मेरे परमेश्वर के सामने मैंने गिड़गिड़ाया है, आज उत्तर मिले या न मिले, जवाब लेट हो जाए, जवाब देर में मिले, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा परमेश्वर धन्यवाद के योग्य है। मैं तब भी उसको धन्यवाद दूंगा, मैं तब भी उसको पुकारता रहूंगा, क्योंकि वही मेरा भरोसा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिंदगी के सफर में हमें कई सारे दौर से जब गुजरना पड़ता है, हमें एक बात ध्यान देना है, मेरी प्रार्थना मेरे परमेश्वर के सामने पहुंच चुका है। हालेलुया। और जब परमेश्वर के सामने पहुंच चुका है, शायद लेट हो सकता है, शायद कुछ समय लग सकता है, लेकिन उसका जवाब निश्चय मुझे मिलेगा, उसका जवाब निश्चय मुझे मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट दो बात बोल करके मैं बंद कर रहा हूं। जब इस दाऊद ने जब सहायता के लिए प्रार्थना किया और उसने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और कहा कि प्रभु मेरे सामने अभी कोई नहीं है, मेरे पास में अभी कोई नहीं है सिवाय तेरे, तू ही एक परमेश्वर है, तू ही मेरा भरोसा है, जो मुझे मेरी गुफा से, मुझे मेरे बंदीगृह से निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज कितने लोग, कितने लोग आपकी बीमारी के उस बंदीगृह से बंधे हुए हैं, आप कितने लोग आज कर्जे के बंदीगृह में हैं, आज कितने लोग श्राप के बंदीगृह में बंधे हुए हैं, लेकिन आज यदि आप परमेश्वर को दुहाई दोगे, यदि आज आप परमेश्वर के सामने पुकारोगे, यदि आज आप परमेश्वर के सामने चिल्लाओगे, ऊंचे शब्द से आप पुकारोगे, आपका परमेश्वर आपके बंदीगृह से आपको निकालेगा। हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे मेरा परमेश्वर, बोलिए मेरे साथ, मेरा परमेश्वर मुझे बंदीगृह से निकालने में सामर्थ रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बंद कर रहा हूं मेरी बात को। सातवीं आयत में लिखा है, मुझको बंदीगृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं, धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। हालेलुया। कितने लोग ये विश्वास करते हैं कि मेरा परमेश्वर मुझे निश्चित रूप से, मेरी गुफा कितनी बड़ी है, मेरा बंदीगृह कितना बड़ा है, लेकिन मैंने दुहाई उसको दिया है, निश्चित रूप से मुझे वहां से निकालेगा। शत्रु के सामने मेज बिछाने वाला, शत्रु के सामने मेरे सिर को ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर जिंदा है, वो परमेश्वर सच्चा है, वो परमेश्वर ही मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार अपने दोनों हाथों को उठा करके प्रभु से कहे, मेरा परमेश्वर मेरे गुफा से, मेरे बंदीगृह से निकालने में मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे लिए पर्याप्त है। हालेलुया। प्रभु के एक जन ने बोला, फर्स्ट क्रॉस देन क्राउन। बिना क्रूस के हमें मुकुट नहीं मिल सकता। जिंदगी के सफर में यदि कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द है, कुछ आंसू है, आप याद रखिए, आपके लिए मुकुट इंतजार कर रहा है, आपके लिए मुकुट इंतजार कर रहा है, आपके लिए मुकुट इंतजार कर रहा है, और वह किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं, वो आपके राजा के द्वारा आपके सिर के ऊपर रखा जाने वाला है। हालेलुया। आपके राजा के द्वारा आपके सिर के ऊपर नियुक्त समय में रखा जाने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। एक्चुअली मैं सुनने के लिए पसंद करता हूँ, सुनाता कम हूँ। गए सप्ते सिस्टर ने बोला कि आदम को एतन वाटिया में एक बार श्वास भूखा था दौड़ने, मेरे को तो रोज रोज भूखता, मैं घर पे जाके भी मेरे घर पे सबको बता दिया, क्योंकि अच्छा एनकरेज वाला जो
गवाही है, हम सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है जिंदगी में। और विजय जी ने बोला था कि विश्वासी या सच को मान जानने वाले अंदर के, लेकिन बाहर वालों का जोश ज़्यादा है। ये ऐसे मेरे को सुनने में बहुत अच्छा लगता है। मैं घर पे जाके भी मेरे बच्चों को, मेरा वाइफ को, मेरा सबको ये बताते हैं, हम तो डिस्कस भी करते हैं। इसलिए मैं, दूसरी बात है कि मेरा महिंदी, महिंदी माने मलयालम हिंदी, तो उसके अंदर बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाते हैं। चलो कभी कभी मैं लड़की को लड़का बना लेता हूँ, लड़का को लड़की, ये ऐसे है। तो उसी हिसाब से आप लोग समझ लेना मैं क्या कहना चाहता हूँ। 3 महीना पहले मैंने संतोष साहब को एक बात बोला था कि मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, लॉस्ट होराइज़न एक शब्द। मैं जब 10वीं में पढ़ रहा था तो हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट में 2 पार्ट होते थे, एक था फर्स्ट, सेकंड। सेकंड पार्ट में एक किताब आता है, ये नॉवल है, नॉवल का नाम है लॉस्ट होराइज़न। ये कोई किसी ऑथर ने, हिंदी इंग्लिश वाला ने लिखा हुआ है, उसका कहानी वगैरह मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन ये वर्ड मेरा मेरा दिल में क्यों हो रहा है कि मैंने, हमने, हमको जो पढ़ाने वाला टीचर को ये पूछा कि सर इसका मीनिंग की क्या है, तो उन्होंने मेरे को बोला है कि, मेरे को नहीं, हमको बोला है कि इसका मीनिंग, वर्ड वही मीनिंग अलग होता है लेकिन इसका एक मीनिंग होता है, अधिनम मलयालम में अधिनम अपुरम, उस हिंदी में वो उससे भी आगे, क्षितिज से परे, परे उससे भी आगे, जो दिखते है अपन, जो दिखने से भी आगे। मैंने ये जो बात है मेरा दिल में रखा हुआ था, मेरा दिल में पदी अभी तक बार 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 आते रहते हैं, उससे भी आगे, अपन जो जो क्षितिज में या दृश्य और अदृश्य, उससे भी आगे कुछ है। मैंने ये कई बार पढ़ा था, कई बार देखा, लास्ट में मैं, आप लोग जानता होगा कि ये किताब, ये जो पेपर है कितना साल पुराना है, ये बाइबल में रखा हुआ है, आज इसका काम आ गया, ये आज इसका काम आया। मैंने ये किताब में लिख के रखा हुआ था इसका कुछ बात। इसके लिए मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ, नोहे का को बेच, नोह को बिछाते हुए गॉड ने सारी सृष्टि को नष्ट किया, सृष्टि माने सारी जीव जंतु को नष्ट करके 40 दिन बारिश के हुआ, सारी सृष्टि से अथवा सारी जीव जंतु नष्ट हो गया, नोह और उनका फैमिली, या फिर दो दो जोड़ी या एक जोड़ी पशु पक्षी हम सब, ये सब आप पढ़ते हैं बाइबल में, पढ़ा हुआ है, सारी लोग को जान, सारी लोग जानता भी है। लेकिन पानी सब उतरने के बाद नूह ने, उनका बच्चे ने इस धरती पे पैर रखा, पैर रखने के बाद गॉड ने उनको ये बोला कि आप लोग आराम से जियो, बच्चा बच्चों के साथ, या बच्चा पर, या पुत्र सब संपत्तोड़ कूड़ी जीविकवान आता जीविकवान पर, ऐसे अब आप देखे दुनिया के अंदर एक ही फैमिली है, दूसरा फैमिली है नहीं। वो बैठते गया, बैठने के बाद अपने आप में
अहंकार की वो क्या बोलते हैं नशा उन लोगों में आने लग गया। तब उन्होंने सोचा कि अपन क्या बोलते हैं आकाश चुंबी एक मरामत बनाएंगे, मीनार बनाएंगे। ऐसे बनाया, उसका चिंता ऐसे थे गॉड को बदला लेने के उसी हिसाब से उन्होंने बनाने के लिए कोशिश किया। तब ये अनु पास्टर ने अभी आज बोला ना, गॉड ने सोचा इसको बनाने नहीं दूंगा मैं, वागड़ी दे दूंगा, अंग्रेजी दे दूंगा, इसको हिंदी में बोलूंगा, लोगों का भाषा अलग होगा। तब तक जो भाषा एक ही था, उसके बाद ये भाषा अलग हो गया। पाछे के हिसाब से लोग अपना अपना जगह पे जगह ढूंढा, अपना राज्य बनाए, कहीं ना कहीं नहीं कहीं अपना अपना हिसाब से लेकर केरल बन गया, या केरल में मलयालम वाला जाके केरल में मिल गया, तमिल वाला आ गया। दुनिया में हर सब थे इस भाषा, इस एक की सोच गॉड को पूछते, एक ही सोच, भाषा अलग हो गया। भाषा अलग होने के बाद लोगों ने ये सोचा सारे सृष्टि ये जो है ये गॉड है, अपना अपना गॉड को निकाल बनाने के लिए लग गया, अपना हिसाब से उन्होंने सोचने लग गया। ऐसे एक व्यक्ति सोच जाता, एक व्यक्ति ने मूर्ति बनाने वाला नहीं था, वो मूर्ति को आराधना करने वाला नहीं था, मूर्ति बनाने वाला भी था। ऐसे एक व्यक्ति ये सोचा कि उससे भी आगे, उससे भी आगे। तब एक बुलावा आ गया, अब्रा, उससे भी आगे। तब एक बुलावा आया, अब्रा। उस अब्रा ने ये बात सुना, सुन के बोले तो गॉड ने अब्रा को बुलाया, अब्रा। तब उन्होंने बोला, गॉड ने बोला, उल्पत्ति 12:1, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। उस देश में चले जा जो मैं तुम्हें दिखाऊं, उसके लिए कुछ बातें छोड़ना पड़ेगा। yes, hallelujah. प्रसन्न सिचुएशन में तुम्हारे हाथ में क्या है, ये प्रसन्न सिचुएशन तुम किस किस के साथ रहते हो, प्रसन्न सिचुएशन में तुम किस किस के साथ व्यवहार करते हो, प्रसन्न सिचुएशन में तुम किसको आराधना करते हो, इस सब को छोड़ के मैं जो दिखा दूं उस जगह पे वो और आप निकलेगा। अब्राहम उससे सुन लिया, अब्राहम सुनने के बाद अब्राहम के साथ, उनको ये नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। यीशुस क्राइस्ट ने ये बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह बताने जा रहा हूँ। ये दोनों ये किए ना, इसराइल को अब्राहम को बताया, बोला कि मैं जो दिखाने वाला है देश के और तुम चले जाओ। वो वाम जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ एक व्यक्ति भी था, उसका नाम है लोत। लोत के साथ वो दोनों, उनका सहोद, उनका बड़ा भाई का लड़का। तो अब्राहम की कहानी अगर अपन देखें तो जीसस क्राइस्ट ने एक बार बोला था कि लाजर और धनवान की कहानी बोले कि लाजर जब मर गया तो अब्राहम का गोद में बैठा हुआ देखा है। तो गोद में बैठना तो वो स्वर्ग में उस देश में पहुंच गया, अब्राहम उस देश में पहुंच गया। और अब्राहम उस देश में पहुंचने के लिए उन्होंने बहुत सारे तकलीफें, बहुत सारे हैबिट में बदलाव सब कुछ उन्होंने किया। उन्होंने बोले कि अपना परिवार, अपना सहा संबंधी, अपना सच्चाई से जिंदगी जिया, वो बाइबल में लिखा हुआ था। ये मैंने इसके अंदर उसी टाइम जब
मेरा शादी हो गया नहीं हुआ मेरे को याद ही नहीं आ रहा, लेकिन ये पेपर तो पड़ गया। तो मेरा 16 हैबिट अब्राहम का लिखा हुआ था, लेकिन ये पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने एक तो वेड मत बोलते अपना भाइयों को, भाईचारा को, लूत साथ में निकला था, लूत साथ में निकलते वक्त निकलना था, दोनों एक साथ निकला था, लेकिन लूत पहुंचा सोदोम गोमोरा में, अब्राहम पहुंचा स्वर्ग में। इन दोनों का डिफरेंस मैंने इसमें लिखा हुआ था, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस हुआ था। अब्राहम ज़्यादातर टाइम गॉड के लिए दिया था। अब्राहम ज़्यादातर टाइम कहीं भी जब वहाँ आराधना करते थे, अपने सगा संबंधियों को, अपना भाईचारे भाइयों को दुश्मनी नहीं देखते थे। लोत और अब्राहम आपस में लड़ाई हुआ, सॉरी ये दोनों लड़ाई नहीं हुआ, उनका चरवा है लड़ाई हुआ था। तो लोत अब्राहम ने ये बोला कि हम भाई बंधु है, हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम भाई बंधु है, हम लड़ाई नहीं करते, इतना सारा देश पड़ा हुआ है, तुम्हारा मर्जी अनुसार ले लो। लोत ने अपना मर्जी अनुसार उनको ले लिया, लेकिन अब्राहम को बंजर दे दिया, लेकिन गॉड का विश्वास करने वाला गंजर में तो भी फल पुष्ट हो गया। लास्ट में ये हो गया, अब्राहम फिर लोत को, उसका दुश्मन उसके सारी संपत्ति ले गए थे, लेकिन उस दुश्मनी अब्राहम मन में नहीं रखा था, दुश्मनी अपना मन में नहीं रखा था, उन्होंने उनको बचा के वो लेके आया। लेकिन लास्ट में सोदोम गोमोरा नष्ट करने के लिए गॉड ने उस अब्राहम को बोला कि मैं ये देश को नष्ट कर रहा हूँ। अब्राहम का दिल बहुत दुखा, अपना परिवार, अपना सगा संबंधी, अपना ब्रदर, अपना भाई, ये भाई ये तो पेंटेकोस्ट वाले सब लोग ये भाई बोलते हैं, ब्रदर शब्द बोलते हैं। इसका ब्रदर शब्द का दो तीन मीनिंग होता है, मैंने इसका गहराई कर दिया। ब्रदर सभी लोग ब्रदर बोलते हैं, भाई ये एक्चुअली क्या है कि ये एक्चुअली अपन सब भाई है, कोई भी कास्ट हो, कोई भी हो, अपन सब भाई है, क्योंकि आदम का संतति है, स्पेशली आदम का संतति है ये, तो उसी हिसाब से अगर देखे तो भाई है। दूसरी एक भाई जा रही है कि एक की शरीर का अंशी है अपन, एक की ब्लड का अंशी है। ये जो पास्टर यहाँ से प्रार्थना करके अपन को जो देता है, जो जीसस क्राइस्ट का शरीर और ब्लड देते है, तो एक ही शरीर का अंशी है, एक ही शरीर का ब्लड है, अपन जो खाते पीते तो अपन भाई हो गया। तो अपना भाई के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, अगर चाहे गॉड ये परमेश्वर, अगर दो 50 धर्मी लोग अगर वहाँ है तो तुम उसको नष्ट करेगा। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर भी सोचा यार 50 नहीं है तो लोत उनका पास में, तो 45 में लास्ट में तक 10-20 तक आ गया, तो भी बोला फिर लास्ट में उन्होंने। लेकिन बाइबल में ये लिखा है कि ये नष्ट करने से पहले गॉड ने अब्राहम को याद किया, अब्राहम का बहुत सारा जी अपन को, वो अब्राहम को मैं तुमको दिखाने वाला उस राज के ओर तुम निकल जा, वो तो निकल गया। मैंने बोला था कि जाति अलग 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 हो गया, फाटशा अलग हो गया, उसमें से एक व्यक्ति निकल गया, वो अब्राहम, बाकी सब बच गया, बाकी सब साइड में आ गया। गॉड अब्राहम को एक दिन एक परीक्षा हुआ,
गॉड ने बोला कि तुम्हारा जो बेटे को मेरा इस मौर्या मले मौर्या मरान मौर्या जाकर बेली चढ़ाओ। उन्होंने वो करने तैयार हो गया, लेकिन वहां से बचाते हुए गॉड ने बोले कि तुम्हारा बेटे को मुझे देने के लिए तुम तैयार हो गया, मैं मेरे बेटे को तुम्हारे लिए दे दूंगा। अब्राहम का नाम के मीनिंग में जातियों अनेक जातियों का पिता है। जीसस क्राइस्ट को हमें दे दिया, उसके हमें उसका ब्लड के उतार पाए हुआ अपन। जीसस क्राइस्ट ने यह बताया, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। अब्राहम को बोला, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूँ। उसका बेटे जीसस क्राइस्ट ने बोला कि मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ, वो वापस आने वाला है। मरम्मत कहाँ कहाँ करना है अपन करना है। बार 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 मेरा दिल में आते मरम्मत करना के टाइम आ चुका है, मरम्मत करने के टाइम आ चुका है। बार बार मेरा दिल में आता है जोसफ को न पहचानने वाला एक राजा गद्दी पे बैठी, अंधकार की ताकत आ गया, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। मरम्मत करने के टाइम आ चुका है। हम इस बातों में आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि मेरा हिंदी मलयालम में तो मैं बोल देता हूँ, मेरे को जो मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी गॉड हमको आशीष दे।